हूँ, ये गोविंदपुर पहाड़ है जिस जगह पे अभी मैं हूँ, एंड ये प्लेस थोड़ा बेटर लगा मुझे। चारों तरफ ग्रीनरी और पहाड़ सब है, तो लगा कि यहाँ पे वीडियो शूट करने में अच्छा अच्छा बैकग्राउंड आएगा। सो इसी जगह को आज मैं चूज किया हूँ। इसी जगह पे मैं अभी अपना बैग खोलकर आपको जितना भी गैजेट मैं यूज करता हूँ अपने व्लॉगिंग के दौरान, मतलब जब व्लॉगिंग करता हूँ, जो भी आप ड्रोन शॉट देखते हो, कौन सा मैं ड्रोन यूज करता हूँ, कौन सा कैमरा यूज करता हूँ, इस वक्त फोन से अपना शूट कर रहा हूँ वीडियो, एंड आज पूरा व्लॉग आपको फोन से ही शूट किया हुआ देखने को मिलेगा। अभी जो मैं आपको अपना गैजेट्स वगैरह सब दिखाऊंगा वो अपने एप्पल से शूट करके दिखाऊंगा। सो या आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ जो भी गैजेट्स मेरे पास हैं अभी मेरे बैग में। ओके गाइस, इस गैजेट वाले लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है मेरा ये गोप्रो, आप देख सकते हैं। मेरा पहला गैजेट और सबसे इम्पोर्टेंट गैजेट यही है, ये है GoPro 9, एंड ये काफी यूज आता है मुझे मेरे व्लॉग को बनाने में, एंड इसकी क्वालिटी काफी डिसेंट है गाइस। आप DSLR से जो आप उम्मीद करते हो वैसा क्वालिटी तो आपको नहीं देगा, बट आप इसकी क्वालिटी अगर आप देखोगे आपको काफी अच्छा लगेगा गाइस, इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ऑसम है। एंड ये जो कैमरा है मेरे पास, ये 4K 60fps तक वीडियो शूट कर सकता है, एंड अगर मैं 5K रिजोल्यूशन की बात करूँ तो 5K रिजोल्यूशन पे ये 30fps तक शूट कर सकता है गाइस, एंड काफी डिसेंट क्वालिटी है इसकी। आप देखे होंगे काफी सारे मेरे ब्लॉग इसी से बने हुए हैं। आप देखे होंगे मेरे चैनल पर मैं जो मोटो ब्लॉगिंग करता था तो यही GoPro काम आता था, मुझे सारा वीडियो शूट इसी से किया हुआ है, एंड काफी ही परफेक्ट क्वालिटी आई हुई है गाइस। एंड मैं रिकमेंड कर सकता हूं आपको कि अगर अभी तो वैसे GoPro 10 आ चुका है, बट वो इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा गाइस, अगर आपको थोड़ा सा सस्ते में, अभी तो एक्चुअली इसका दाम मुझे नहीं पता कितना है, आप अमेजोन पे जाकर चेकआउट कर लेना। एंड मैं एक बात बता देता हूँ, मैं कोई भी प्रोडक्ट का यहाँ पे रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसीलिए ये सब बता रहा हूँ बिकॉज लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप व्लॉग कैसे करते हो, क्या क्या गैजेट्स यूज करते हो, तो इस वजह से मैं अपना ये आपको गैजेट्स के ऊपर ये मैं स्पेशल व्लॉग आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ अपना। ओके गाइस, इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर ये GoPro है, GoPro Hero 9, एंड आपको अगर इसकी बैटरी बैकअप बताऊँ गाइज, अगर आप इससे लगातार एक बैटरी अगर आपका 100% चार्ज है तो एक बैटरी से आप लगभग अगर आप लगातार शूट करते हो तो 40 से 45 मिनट आपको ये बैकअप दे देता है बैटरी बैकअप। मैंने दो बैटरी इसका रखा हुआ है, एक बैटरी जो इसके साथ आया था और एक स्पेयर में मैंने अलग से बैटरी मंगवाया GoPro 9 का। मेरा काम हो जाता है अभी दो बैटरी में, फिलहाल मैं मतलब अच्छे से वीडियो शूट कर लेता हूँ, और मैं लगातार वीडियो शूट नहीं करता हूँ गाइस, मैं रुक रुक के करता हूँ, अगर लगातार करूंगा तो आपको बताया ही अभी 40 से 45 मिनट इसका बैकअप हो जाएगा। सो या गाइस, इस लिस्ट में पहला नंबर पे ये GoPro Hero 9 है, एंड इसको मैंने लगभग एक साल पहले परचेस किया था, एंड उस समय मुझे ये 40,000 पड़ा था। अमेजोन से मैंने ऑनलाइन इसको परचेस किया है, इस GoPro Hero 9 को। सो या ओके गाइस, सेकंड नंबर पे ये मेरा Insta360 आता है। ये Insta360 अगर मैं आपको बताऊं, ये Insta360 1R है गाइस, इसमें दो लेंस आते हैं, मैंने अभी 360 डाला हुआ है, और इसका एक नॉर्मल लेंस भी आता है जैसा एक्शन कैमरा का मैंने अभी आपको दिखाया जो मेरे पास GoPro है, उसी के तरह एक लेंस आता है जो की 4K 60fps तक शूट कर सकता है गाइस, एंड आप देख सकते हैं काफी छोटा है ये साइज में, और इसका बैकअप काफी अच्छा है गाइस। जहां तक मैंने इसको यूज किया है, जब मैं पारसनाथ गया था तो वहीं पे ये ज्यादा यूज हुआ था, एंड जब पहाड़ की चढ़ाई कर रहा था मैं तो लगातार मैं Insta360 से उस समय शॉट ले रहा था गाइस। तो या गाइस, और अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो मैं इसका दूसरा वाला भी लेंस लेके आया हूं, मैं अभी वो भी आपको दिखा दूंगा कि वो किस तरह का दिखता है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको खोल दिया है, एंड दोनों साइड से ये कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं। ये लेंस सिर्फ 360 वीडियो शूट कर सकता है गाइस, 5K रिजोल्यूशन तक इससे वीडियो शूट हो सकता है, एंड या गाइस काफी ही बेहतरीन कैमरा है, बहुत ही बेहतरीन 360 शॉट इससे आप ले सकते हैं। मैंने काफी बार इसको अपने बाइक के नीचे, तो कभी बाइक के पीछे जो ट्राइपॉड होता है मोनो ट्राइपॉड, उसके सहारे मैंने ऊपर से भी काफी बार शॉट लिया अपने बाइक के ऊपर से। सो काफी ही बेहतरीन शॉट्स आते हैं गाइस इसको यूज करने पर। मेरे व्लॉग में आपको काफी सारे व्लॉग्स में आपको Insta360 शॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो को लेकर प्लीज कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एंड आई होप कि बैकग्राउंड आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, खुला खुला बैकग्राउंड है, एंड चारों तरफ मेरे पहाड़ एंड ग्रीनरी आपको दिख रही होगी। विंड नॉइज आ रहा होगा गाइस, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, मैं भी अपने एप्पल से शूट कर रहा हूँ, अगर विंड नॉइज आ रहा होगा तो उसके लिए माफ कर देता। सो या सेकंड नंबर पे मेरा ये गैजेट है, काफी यूज आता है ये मेरे, एंड काफी सारा मैंने Insta360 शॉट लिया हुआ इस कैमरा से। ओके गाइस, ये
Insta360 1R का दूसरा वाला लेंस है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं ये अटैचमेंट है, यहाँ पे अटैचमेंट दिया गया है गाइस। ये आपका जाकर फिक्स हो जाता है, जहाँ पे इसका क्लिप रहता है वहाँ पे जाके फंस के ये फिक्स हो जाता है गाइस। एंड दो लेंस रहते हैं कि आपका नॉर्मल GoPro जैसा लेंस है जो कि 4K 60 FPS तक शूट कर सकता है एंड मे बी 5K, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, आप नेट पे सर्च कर लेना इस लेंस के बारे में, Insta360 1R के बारे में आप पता कर लेना। एंड अभी मैंने इसको यूज भी नहीं किया एक बार, ये जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे ऊपर ये प्लास्टिक लगी हुई है, अभी भी मैंने इसको एक बार भी यूज नहीं किया, तो मैं इसका क्वालिटी अभी आपको नहीं बता सकता हूँ। बट या 4K 60 FPS तक तो ये शूट कर सकता होगा आई थिंक। Insta360 कैमरा जो है गाइस 1R वर्जन जो है इसका, इसको आप दोनों पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। आप इससे 360 वीडियो भी ले सकते हो, प्लस आपको ये भी फायदा है कि इसके साथ जो ये दूसरा वाला लेंस मिलता है, इससे आप नॉर्मल एक्शन कैमरा इसको बनाकर इसको 4K नॉर्मल वीडियो आप वाइड एंगल में इससे शूट कर सकते हो गाइस। तो या इस कैमरे में दो फीचर्स दिए हुए हैं, कॉज दो लेंस है इसमें। फीचर्स वैसे बहुत सारे हैं, मेरा कहने का मतलब है कि दो लेंस है तो आपका दो पर्पज इससे पूरा हो सकता है, मतलब आप दो तरह का वीडियो इससे शूट कर सकते हो। आप चाहो तो 360 वीडियो भी ले लो, या फिर आप चाहो तो इससे नॉर्मल एक्शन कैमरा की तरह इसको यूज करके नॉर्मल वीडियो वाइड एंगल में आप ले सकते। सो या आप जब Insta360 1R खरीदने जाओगे, 1R वर्जन जब आप खरीदोगे, इसका दो वेरिएंट है गाइस। एक नॉर्मल आपका 360 ही रहता है, और अगर 1R आप लेते हो तो ये अटैचमेंट आपको साथ में मिलती है गाइस। ये जो लेंस आपको दिख रहा है ये 4K लेंस जो कि इसको एक्शन कैमरा में बदल देता है। सो या दो वेरियस पर्पस में ये यूज आता है गाइस, ये Insta360 1R। एंड मैंने Insta360 1R मैंने आपको दाम शायद नहीं बताया, मैंने इसको 34,000 में खरीदा था, ऑफलाइन खरीदा था। एंड उस समय जब मैं रिसर्च कर रहा था इस कैमरे के बारे में, तो Amazon में उस समय प्राइस आई थिंक 38,000 to 40,000 इसका प्राइस था गाइस। बट मैंने कोलकाता से लिया तो मुझे काफी ही सस्ता मिला ये कैमरा, Insta360 1R काफी ज्यादा ही सस्ता मिला मुझे ऑफलाइन इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन। मुझे वहां पर 34,000 में ये मिल गया। एंड मैं आगे और जो गैजेट्स है वो आपको मैं दिखाता हूँ। अब तीसरा गैजेट अब मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिए। ओके गाइस, इस लिस्ट में थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो ये मेरा DJI का ड्रोन है, जो कि काफी ज्यादा ही फेवरेट गैजेट है। ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं गाइस, ये काफी ज्यादा ही एक्सपेंसिव पड़ा था मुझे, काफी सैक्रिफाइस करना पड़ा था मुझे इस ड्रोन के वजह से। इसको मैंने कोलकाता से लाया था एंड काफी ही ज्यादा इफिशियंट है ये ड्रोन गाइस। आप इस ड्रोन को 9 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकते हैं, ये 9 किलोमीटर तक दूर जा सकता है गाइस। एंड हाइट की अगर बात करूं तो आई थिंक 500 मीटर तक जाता है, 500 से 1 किलोमीटर तक ऊपर जाता है, मुझे उतना नहीं पता है, मैंने उतना हाइट तक अभी इसको उड़ाया नहीं है। सो या आप देख सकते हैं ये DJI का Mavic 2 Pro है। अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं, आप यहां नाम पढ़ सकते हैं गाइस, DJI का Mavic 2 Pro, इसमें प्रो नहीं लिखा है बट ये प्रो वर्जन है। आप देख सकते हैं यहाँ DJI की बैजिंग की हुई है इस जगह पे, एंड दो सेंसर्स है यहाँ ऊपर नीचे आप देख सकते हैं। इसमें Hasselblad वाला लेंस यूज किया गया है गाइस, एंड आपको पता है काफी ज्यादा ही परफेक्शन के साथ ये वर्क करता है, ये Hasselblad का जो लेंस है इसमें। सो यह काफी ज्यादा ही बेहतरीन लेंस है। आप देख सकते हैं इस कैमरा में गिम्बल सेटअप किया हुआ है, आप रिमोट के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हो गिम्बल का मूवमेंट को। मैं ड्रोन लेके आया हूँ सिर्फ, ये मैं कॉम्बो वाला वर्जन खरीदा था। इसमें टोटल 2 बैटरी एक्स्ट्रा मुझे मिला था और इसके 4 प्रोपेलर्स एक्स्ट्रा मिले थे। बस ये सिंगल आप खरीदते हो कंट्रोलर के साथ तो आपको वो सब नहीं मिलता, आपको अलग से कुछ पैसे देने पड़ते हैं कॉम्बो वर्जन के लिए। तो यह मैंने DJI Mavic 2 Pro का कॉम्बो वर्जन लिया था। आप आगे भी देख सकते हैं दो सेंसर्स हैं ये आगे, एंड गाइस नीचे साइड भी आप देख सकते हैं 3 सेंसर्स यहाँ नीचे में। और ये लाइट है गाइस, जो कि जब नाइट टाइम रहती है, रात का समय रहता है, तो उस समय ये लाइट जलता है गाइस। रात के वक्त में मतलब लैंड जब ये होता है तो कुछ एल्टीट्यूड पे जब ये अपना फिक्स रहता है गाइस, इसका एक फिक्स्ड एल्टीट्यूड है जिसपे ये लाइट ग्लो होने लगती है। सो या गाइस, आई होप कि ये ड्रोन भी आपको पसंद आया होगा। मैं ये ड्रोन से ही आपको देखने को मिल गया होगा मेरे व्लॉग में, काफी सारा ड्रोन शॉट मैंने लेके डाला हुआ है। एंड काफी बार ऐसा भी होता है कि कोई लोकेशन पे मैं अगर ड्रोन उड़ा देता हूँ तो यार वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड मेरे पीछे पड़ जाते हैं, पहले उड़ाने से पहले नहीं सोचता था, बट इधर 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि ड्रोन मैं उड़ाया और सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू मैं पकड़ा गया और मुझे फिर धमकियां दी जा रही है कि यार पुलिस से पकड़वा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तो यार प्रॉब्लम होता है इसको हैंडल करने में, इससे फुटेज लेने में, बट आप सूझबूझ से अगर इसको उड़ाओ तो ना आपको कोई परेशानी होगी और ना ही आपका ड्रोन कहीं फंस सकता है। तो यार मैं इसको कम उड़ाता हूँ जब से ये 2 बार मेरे साथ कांड हुआ है, एंड काफी ही एक्सपेंसिव पड़ा था ये ड्रोन मुझे। ये लगभग मुझे 1,75,000 का पड़ा था कॉम्बो वर्जन, एंड इसको मैंने कोलकाता से परचेस किया था। सो या फिफ्थ नंबर, फिफ्थ कैसे यार,
एक दो तीन क्या क्या दिखाए अभी हम GoPro दिखाए इंस्टा 360 दिखाए। सो यार गाइस थर्ड नंबर पे ये ड्रोन आता है मेरा एंड काफी इफिशियंट ड्रोन है। इसमें काफी सेंसर है तो आप इसको बेझिझक कहीं भी उड़ा सकते हो। क्रैश करना काफी मुश्किल है इसको। थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको हो सकता है जो बिगिनर्स है ड्रोन उड़ाने में। मैं काफी समय से ड्रोन उड़ा रहा था तो इस वजह से मैंने ये ड्रोन खरीद लिया एंड काफी सारे ड्रोन शॉट्स आपको मेरे वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। सो या आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ओके गाइस नेक्स्ट गैजेट आप देख सकते हैं ये DJI का ऑस्मो एक्शन कैमरा है जो कि मैंने बहुत ही पहले इसको परचेस किया था एंड जिस वक्त मैंने इसको परचेस किया था आई थिंक मुझे 25 या 22,000 रुपए पड़ा था। मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है बिकॉज मैंने इसको बहुत ही मंथ पहले खरीदा था इस DJI ऑस्मो एक्शन कैमरा को। इसका मैं इस्तेमाल ज्यादा अपने व्लॉग्स में नहीं करता हूँ बिकॉज इसके कंपेरिजन में मुझे GoPro का ज्यादा अच्छा क्वालिटी लगता है। उसमें कलर काफी ज्यादा ही इनहेंस होके आती है एंड इसमें थोड़ा सैचुरेशन मुझे कम लगता है कलर का। बाकी सब ठीक है। इसका स्टेबलाइजेशन इसमें दी गई है एंड ये भी आपका गाइस 4K 60 FPS तक वीडियो शूट करने में कैपेबल है। गाइस काफी ही बेहतरीन कैमरा है बट मैं इसको यूज नहीं करता हूँ अपने व्लॉग में बिकॉज GoPro से ही सारी नीड कंप्लीट हो जाती है मेरी। उसमें काफी ही डिसेंट क्वालिटी आती है GoPro में इन कंपेरिजन टू DJI ऑस्मो एक्शन। सो दैट्स वाई मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करता अपने व्लॉग में। एंड गाइस अगर आपको मैं दिखाऊँ इसको चारों बगल से तो आप एक बार देख लो कैसा ये दिखता है। सामने से इसका लेंस आप देख सकते काफी ज्यादा ही बेहतरीन तो नहीं कहूंगा बट यह सिंपल सा लुक है। काफी इफिशियंट कैमरा इसको भी मैं कहूंगा। काफी मस्त कैमरा ये भी। इसमें कोई खराबी नहीं है बस इसमें थोड़ा कलर कम आता है। कलर ग्रेडिंग जो होती है ना गाइस वो इसमें आपको कम देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन टू GoPro हीरो 9। एंड ये कैमरा आपको कैसा लगा आप जरूर कॉमेंट करके मुझे बताना गाइस। ये DJI ऑस्मो एक्शन था जो अभी मैं आपको दिखा रहा था आप देख सकते हो। सो या गाइस जितने भी गैजेट्स थे जो भी मैं अपने व्लॉग में यूज़ करता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए या फिर जो ड्रोन मैं यूज़ करता हूँ सारा चीज़ अभी आपको मैंने अपने कैमरे के थ्रू दिखा दिया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड कैसा लगा ये वीडियो इस वीडियो के बारे में आपके थॉट्स क्या हैं प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। मेरे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि मैं वीडियो कैसा ला रहा हूँ आपके लिए एंड काफ़ी हेल्प मिलता है आपके कॉमेंट के थ्रू। आप जब कॉमेंट करते हो तो एक आइडिया मिलता है कि मुझे किस तरह का वीडियो आगे लाना चाहिए। तो प्लीज़ कॉमेंट करना मत छोड़ना। कॉमेंट करते रहना गाइज मेरे वीडियो पर एंड वीडियो जरा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आई होप कि उनको भी ये वीडियो पसंद आएगा जिनको मेरा गैजेट्स देखना था जिनको जानना था कि मैं अपना वीडियो कैसे शूट करता हूँ किस तरीके से वीडियो शूट करता हूँ तो उनको भी ये वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि मैं कौन सा गैजेट यूज करता हूँ। आई थिंक ये वीडियो काफी ही लंबा होने वाला है बट आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा।